नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रारी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कोरमा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम, चार बड़े साइज के प्याज पतले कटे हुए, 10 से 15 पीस लहसुन की कलियाँ, दो हरी मिर्च, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 50 ग्राम काजू, 7 से 8 पीस बादाम, 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग और 8 से 10 पीस काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, कसूरी मेथी फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच चीनी, नमक टेस्ट के अनुसार, 2 बड़े चम्मच घी, 1/2 कप मलाई, 2 चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और गार्निशिंग के लिए केसर। अब हम कढ़ाई को गर्म करते हैं और इसमें हम डालेंगे तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। हमने सरसों का तेल यहाँ पे यूज किया है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, लहसुन, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्च और अब डालेंगे खड़े गरम मसाले जो हमने लिए थे, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 8 से 10 पीस काली मिर्च और 2 इलायची। इन सबको एक साथ हम थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का सा। और अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज हमने बड़े साइज के 4 लिए हैं और इसे पतले पतले काट लिए हैं लंबे में। इसे हम अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेते हैं। और अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे और साथ में काजू और बादाम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसे मिक्स करते जाएंगे। काजू और बादाम डालने के बाद मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे। इसमें ध्यान देना है कि 2 से 3 मिनट ही बस उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसे गैस बंद करते हैं और एक छन्नी में इसके पानी को अलग कर लेते हैं। नीचे हमने पतीला रखा हुआ छोटा सा और इसके ऊपर बड़ी छन्नी ली है और इस तरह से हम इसमें सारे प्याज और सब्जियां निकाल देते हैं। इसमें से हम तेज़पत्ता को अलग कर देते हैं क्योंकि इसे हम पेस्ट बनाएंगे अभी ठंडा होने के बाद। तो 10 मिनट हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और दही और मलाई डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे फिर से और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा लेके भून लेंगे। और अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे प्याज का, जो पेस्ट हमने तैयार किया हुआ है वही पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसे 2 मिनट लगातार चलाते रहेंगे और इसे भूनेंगे। अच्छी तरह से इसे हम भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला भी 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। ये हमने गरम मसाला भी को डाला है थोड़ा सा चलाने के बाद। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच चीनी हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि यह हल्का सा मीठा होता है पनीर कोरमा। और अब हम चौकोर में कटे हुए पनीर को इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। हमने ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखा है, इसके लिए 1/2 कप पानी हमने ऐड किया है इसमें। और अब हम कसूरी मेथी को डालेंगे हाथों पर क्रश करके और मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट तक हम इसे सिर्फ उबालेंगे गैस पर। और ये पक गया है तो अब हम इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकालेंगे
और गार्निश कर लेंगे केसर से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी है ये बहुत। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।